हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मकर लगन वालों का जीवन साथी कैसा होगा, या उनका लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, किस बिजनेस या प्रोफेशन में होगा, और क्या उसके शौक होंगे, क्या उसकी हैबिट्स होंगी, और आपके परिवार में उसकी के साथ कैसा सामंजस्य रहेगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड होंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अब दोस्तों, शुरू करते हैं मकर लग्न वालों का जीवन साथी के संबंध में। दोस्तों, अब मैं ये लग्न के आधार पर बता रहा हूँ, राशि के आधार पर नहीं है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के संबंध में थोड़ी सी मूलभूत जानकारियाँ रखते हैं, ग्रहण भाव नक्षत्र राशियाँ, तो वो थोड़ी इजीली समझ जाते हैं। अदरवाइज़ जिनकी बर्थ या डिटेल नहीं है, जन्म तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी अगर अपने लाइफ पार्टनर में ये जो विशेषताएँ हैं मैं जो बता रहा हूँ ये देख के जान सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जिनकी शादी हो गई वो सामने है परिणाम, वो तो वैसे मैच कर सकते हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए वीडियो एक्साइटेड कर सकता है उन लोगों को कि उनका पार्टनर इस तरह का होगा जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखिए, इसको पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, मुखाकृति की बात करें इनकी, या ये कह सकते हैं कि इनकी फिजिक कैसी होगी। दोस्तों, दूधिया रंग मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा रंग मिलेगा, बिल्कुल चिकनी स्किन मिलेगी, आंखें मोटी मिलेंगी, नाक थोड़ी छोटी हो सकती है, हाथ पैर भी थोड़े छोटे हो सकते हैं, ये सामान्य से थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं या ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं। स्किन इनकी सॉफ्ट रहेगी और बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी सॉफ्ट रहेंगे और बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। दोस्तों, ये तो थी इनकी फिजिक्स, और ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव होगी और देखने में सुंदर लगेंगे। ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, सामान्य हाइट के ही लोग मिलते हैं। अब दोस्तों, स्वभाव की जब हम इनकी बात करते हैं तब क्या आपको देखने को मिल सकता है, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो ये होगा कि एक तो ये अस्थिर मनोवृत्ति के मिलेंगे आपको, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, चंचल होती है। ये आपके सामने अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल सकते हैं, अभी कुछ मूड और है, थोड़ी देर के बाद मूड बदल जाएगा, जो कि इतनी मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है इनके साथ कुछ ज़्यादा ही होती है। इन्हें नदियों में, नालों में, पर्वतों पर घूमने का शौक़ हो सकता है, और इन्हें लिक्विड आइटम्स ज़्यादा इनटेक लेने की भी हैबिट होती है, ये ज़्यादा लिक्विड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये थोड़े से संवेदनशील हो सकते हैं। ये दूसरे को प्रॉब्लम में देख के खुद भी उसके साथ थोड़ा ना, एक ऐसा होता है, ये खुद भी उसके दर्द को महसूस करते हैं और उसके दर्द में खुद भी डूब जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, दूसरे को चोट पहुँचाना इनके स्वभाव या संस्कार में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये संवेदनशील होंगे तो दूसरे को भी दुख नहीं दे सकते, ठीक है, ये भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाएंगे, फिर छोटी छोटी बात पे हंसने लग जाएंगे। अब 2 घंटे पहले बहुत खुश थे, 2 घंटे बाद बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ स्पीड से बातें करेंगे, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे, कूदते फिरेंगे, थोड़ी देर बाद पता चला डिप्रेशन में आ गए। ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है आपके पार्टनर में मकर राशि वालों, मकर लग्न वालों के लिए। और दोस्तों, वैसे इनका व्यवहार है दूसरों के प्रति ईमानदारी भरा होता है, और चीटिंग वगैरह करने की इनमें कोई प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरे को धोखा देने की या उन्हें परेशान करने की या चोट या हानि पहुँचाने की ऐसी इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। अब ये ज़्यादा संवेदनशील भी हैं और सोशल भी हैं, साथ साथ में सामाजिक भी रहते हैं, दूसरों की भलाई में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, या उनके साथ हाथ बटाना, उनकी हर संभव मदद करना, ये भी इनके स्वभाव में देखा जा सकता है।
अब दोस्तों इनके साथ ना थोड़ा सा क्या इमोशनली इम्बेलेंस रहते हैं एक्चुअली, इनको कोई भी ना बेकू बना सकता है इमोशंस के साथ खेल के, ये इनके साथ बड़ी समस्या है। इनको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, या उसके मकर लग्न वाले हैं अपने पार्टनर को उस लेवल पे थोड़ा सा केयर करें या संभाल के रखें, या उन्हें गाइड करें या इंस्ट्रक्शन दें कि ऐसी चीज़ों से बचें या करें आप जो भी अपने हिसाब से करना चाहें, ताकि आपको कोई इमोशनली चीट ना करें। ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब दोस्तों ये क्या है, ये ठीक आप ये कह सकते हो कि इनका अगर स्वभाव की बात करें तो ये पत्नी के रूप में ठीक आपकी माँ की तरह होती है। मतलब आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति वात्सल्य है, आपके प्रति देखभाल करने की, आपको प्यार से रखने की जो जो विशेषताएं एक माँ में होती हैं, वही सब आपकी जो पत्नी है उसमें ये गुण देखने को मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों ये तो हो गया इनका स्वभाव। अब हम बात करते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों स्वास्थ्य की बात करें जहाँ तक, तो इनको जल तत्व की समस्या बॉडी में ज़्यादा रहती है, परिणाम स्वरूप आप ये भी कह सकते हैं कि इनको कफ की समस्याएं भी ज़्यादा रहेंगी। उसकी वजह से हो सकता है इनको बचपन में निमोनिया बिगड़ गया हो, या आज हो, या इनको फेफड़ों के और कोई रोग हो सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, इस तरह की स्थिति इनके साथ रह सकती है। पेट के रोग रह सकते हैं इनको, क्योंकि पेट में भी कफ बढ़ा रहेगा, जल तत्व की मात्रा ज़्यादा रहेगी, वो इनको परेशान कर सकती है। और मानसिक रोग जो हैं वो भी हो सकते हैं, वो चाहे हिस्टीरिया है या सिज़ोफ्रेनिया है या इंसोमेनिया है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं। रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा प्यास लगना, इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं इनके साथ, और मानसिक रोगों की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो इनको क्योंकि इमोशनली ये लोग इम्बेलेंस रहते हैं अक्सर, तब ये समस्या इनके साथ बनती है। तो बड़े अगर ये इमोशनली थोड़े से इनको सपोर्ट किया जाए, या इनके साथ सही तरीके से पेश आया जाए, इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए हर चीज़ में, इनको मोटिवेट किया जाए, तो ये इन बीमारियों से बच के रहते हैं और थोड़ा ये लंबे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। अदरवाइज़ सर्दी खांसी जुकाम के अलावा कोई बड़ी समस्या इन लोगों को नहीं होती है, पेट के रोग होते हैं ज़्यादा, और या फिर कफ वाले रोग ज़्यादा है, यही होते हैं। अदरवाइज़ कोई बड़ी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब हम आते हैं इनके बिजनेस या जॉब, या ये कहीं प्रोफेशन क्या रहेगा इनका। दोस्तों ये जल से संबंधित काम ज़्यादा करेंगे, लिक्विड आइटम, वो चाहे डेयरी का हो, दूध दही जो भी है, या फिर पेंट वगैरह हो गए या ऑयल्स हो गए, इन चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है, या एग्रीकल्चर में हो सकते हैं ये लोग, रेडीमेड कपड़े में भी हो सकते हैं, खाने के आइटम हैं उनमें भी हो सकते हैं, ये इन चीज़ों में ज़्यादा मिलेंगे, या शिपिंग में इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, या फॉरेन ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो सकते हैं, या ज्वेलरी का लगा लो, या फिर सोशल वर्क में हो सकते हैं, या फिर अच्छी टॉप गवर्नमेंट की जो कोई अथॉरिटेटिव पोजिशन है उस पर हो सकते हैं। ये मतलब जहाँ पर इनको कमांड मिलेगी ये वहाँ पर रह सकते हैं, ऐसी पोजिशन पर, वो चाहे राजदूत हो, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, या कोई टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वहाँ पे ये लोग हो सकते हैं। तो या तो जॉब में मिलेंगे, या फिर इस तरह से इसी टाइप के व्यवसाय में मिलेंगे, बिजनेस मिलेंगे जो इंसेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों हो गया इनका व्यवसाय ये कहें, या प्रोफेशन जो भी कहें। अब आते हैं अब इनका ससुराल पक्ष में, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे संबंध रहेंगे। दोस्तों उस फ्रंट पे इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मकर लग्न वाले इस मामले में लक्की हैं, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहेंगी, वो बनती रहेंगी, वैचारिक मतभेद थोड़ा सा रहेगा। आप बिल्कुल ये कहो कि बिल्कुल सामान्य लाइफ बढ़िया चलेगी, तो इस फ्रंट पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे नोक झोंक चलती रहती है सामान्य वाहिक जीवन में, उससे थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं, वो मानसिक जो सतर है उसमें डिफरेंस है, मेंटल लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए सब होगा, बार बार होगा यह, और लगभग होता रहेगा रिपीटेडली। तो बाकी परिवार को बना के रखने में, मिलके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अलगाव जैसी स्थिति होना ऐसी कोई संभावना नहीं होती है।
परिवार को भी सपोर्ट करेंगे, बच्चों को भी करेंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। सोशल जो आपकी परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो आपके संस्कार हैं, ये उनको भी बनाए रखते हैं। ये कोई भी बड़ा इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेते कि जिससे कि समाज में लोग इन पर उंगली उठाएं, ऐसा कोई काम नहीं करते और ना ही ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे। अब इनके साथ साथ दोस्तों ये है, आप एक एडवाइस ये रहेगी कि आप इनके अंदर थोड़ी सी चुगली की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, गपशप करने की उधर ज़्यादा होती है, तो आप इनको उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तब वहाँ पे थोड़ी सी स्थिति सही रहे। क्योंकि इनको कोई भी कोई बात बताएगा तो ये जल्दी बहक सकती है, कान के खच्चे होते हैं लोग, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। इस पे कंट्रोल करेंगे तो संबंधों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बता दिया, कुंभ मकर लगन वाले जो हैं उनका लाइफ पार्टनर या जीवन साथी के संबंध में उनकी सारी विशेषताएं, स्वभाव, व्यवसाय, स्वास्थ्य। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी ये लोग ज़्यादा तो नहीं होते इंटेलिजेंट, आप ये मान के चलो, क्योंकि ये इंटेलिजेंट होंगे तो भी ये इमोशनली फुल हो जाएंगे, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं होते लोग। ये सामान्य स्तर की शिक्षा रहती है इनकी, ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी संभावना है मकर लग्न वालों को, ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं मिलते। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है, वो व्यक्तिगत कुंडली देखेंगे तो ग्रह स्थिति अलग हो सकती है, तब एक अलग चीज़ है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर सामान्य प्रडिक्शन करें तो ऐसा संभव कम ही लगता है। तो दोस्तों ये मकर लग्न वाले उनके जीवन साथी के बारे में मैंने जो बताया, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।